हेलो, स्वागत है आपका आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेची बोन सेटअप कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोन सेटअप मैंने बना के रखा है जिसमें आईके कंट्रोलर लगा हुआ है। अब इस कंट्रोलर को अगर मैं सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, आप देख सकते हो एक लिमिट तक ये मूव होगा, उसके बाद से बोन जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं? ये पूरा रिग सिस्टम मैंने नोड एडिटर से किया है, तो एक बार मैं आपको नोड एडिटर ओपन करके दिखाऊं कि कनेक्शन किस तरीके से मैंने किया है। विंडोज एंड नोड एडिटर, ठीक है, तो दीज आर द कनेक्शंस। यहाँ पे हमारा लोकेटर है, ये दोनों लोकेटर हमारा डिस्टेंस का है, जो कि डिस्टेंस यहां से यहां तक मैंने मेजर करके रखा है। डिस्टेंस वाला नोड मैंने फिलहाल हाइड करके रखा है, शिफ्ट एच, आप देख सकते हो दिस इज द डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस का दोनों लोकेटर है, एक रूट का और एक एंड का। ये दोनों लोकेटर डिस्टेंस नोड के साथ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन में मैंने एक मल्टीप्लाई डिवाइड नोड लगाया है, जिससे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये लोकेटर ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद अगर इसको मूव करेंगे तो हमें स्ट्रेचेबल करना है, और उस स्पेसिफिक डिस्टेंस से अंदर ही हो तो ये स्ट्रेची ना हो। इस चीज को करने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद उस पर हम कंडीशन लगाएंगे हम लोग दोनों जॉइंट्स में, जॉइंट वन जो कि हमारा शोल्डर बोन है एंड जॉइंट टू जो हमारा एल्बो बोन है। शोल्डर बोन, एल्बो बोन, जॉइंट वन, जॉइंट टू, एक तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखा है, इसलिए ये तीनों यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब ये इस चीज को स्क्रैच से कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ। इस नोट एडिटर को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ और मैं स्क्रैच से ये पूरा सिस्टम बना के दिखाता हूँ। एडिटेंट क्रिएट जॉइंट, अभी ये क्रिएट हो गया, अभी मैं इस पे आईके लगाऊंगा। स्केलेटन क्रिएट आईके हैंडल, ध्यान रहे ये रोटेट प्लेन सॉल्वर में होना चाहिए। एंड सिलेक्ट दिस वन एंड लास्ट में सिलेक्ट द चाइल्ड बोन। तो इसमें हमारा आईके लग चुका है, तो अगर इस आईके को अगर हम सिलेक्ट करें, एक काम करते हैं, पहले के जितने भी नोड्स जो बना रखा हूं इन सभी को मैं सिलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आउटलाइन में दिखे ना, वरना इन सबको मैं ग्रुप भी कर सकता हूँ। इन सबको ग्रुप करके मैंने ग्रुप वन के अंदर डाल दिया। अभी ये हमारा जॉइंट फोर है, जिसके साथ जॉइंट फाइव कनेक्ट है एंड जॉइंट सिक्स कनेक्ट है, और जॉइंट फाइव और जॉइंट सिक्स के बीच में हमारा एक लोकेटर लगा हुआ है। हम लोग इस ग्रुप को भी ध्यान नहीं देते हैं, इस पे अपन काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने लोकेटर लगा हुआ है, इस आई के हैंडल को सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हो ये हमारा बोन मूव हो रहा है। अभी इस बोन का जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक इस आईके को हम मूव करते हैं। एक काम करते हैं, उससे पहले इसका एक कंट्रोलर बना लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एनिमेशन करेंगे वो कंट्रोलर्स पे ही करेंगे, तो एक कंट्रोलर लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ एंड वी प्रेस करके इसको मैं स्नैप करता हूँ इसके सेंटर पे एंड रोटेट करता हूँ इसको 90 डिग्री। तो इसके बाद इसका हिस्ट्री डिलीट करते हैं, हिस्ट्री डिलीट एंड मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अभी इसका जो आईके है उस आईके हैंडल को इसके साथ, इस कंट्रोलर के साथ मैं पेरेंट कर देता हूं, ताकि कंट्रोलर से मैं आईके को मूव कर पाऊं। ठीक है, डन। अभी इस कंट्रोलर को मैक्सिमम लिमिट जितना मूव कर सकते हो तो मैक्सिमम लिमिट पे इसको लेके जाते हैं। इसका मैक्सिमम लिमिट है समथिंग, इसको इतना रखते हैं -0.331, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस तो हो गया, बट अभी इसका कितना डिस्टेंस इसके शोल्डर से लेके इसके रिस्ट तक डिस्टेंस कितना है ये अपने को मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, आप क्रिएट में जाइए, यहाँ पे आपको मेजर टूल्स मिलेगा, इसमें से डिस्टेंस टूल को उठा लीजिए। अब ये डिस्टेंस टूल को मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वी प्रेस करके रखिए, वी प्रेस एंड होल्ड बोन के सेंटर पे अलाइन करने के लिए। एक लोकेटर यहाँ आ गया, फिर से वी होल्ड करके रखिए, दोबारा यहाँ क्लिक करिए एंड प्रेस W। तो अभी देख सकते हो ये एक लोकेटर क्रिएट हो गया रूट पे, एक लोकेटर क्रिएट हो गया एंड पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है 10.937219 समथिंग। ठीक है, अभी सही से दिख नहीं रहा है, मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, ऑल्ट बी प्रेस करके मैं इसको
पूरा ब्लैक कर देता हूँ, तो ये जो है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस डिफाइन हो गया। अभी आगे का काम हम लोग नोड एडिटर से करेंगे, विंडोज नोड एडिटर, ठीक है। अभी मैं नया नोड ले लेता हूँ, इन सबको क्लियर कर देता हूँ, नया ग्राफ क्रिएट करूंगा। तो अभी अपने को क्या करना है, ये जो हमारा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को यहाँ पे लोड करेंगे। डिस्टेंस को लोड किया, अभी डिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड दिखा नहीं रहा है। अब क्या करो, फिर से क्लीन करो ग्राफ को और डिस्टेंस को सिलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी इसके साथ जो कनेक्टेड है, मतलब दोनों लोकेटर के साथ ये डिस्टेंस नोड कनेक्टेड है, ये आपको दिखेगा। और इसको आप साइड कर दो, इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस नोड को एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस का वैल्यू है, अब इस डिस्टेंस का वैल्यू पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नोड कनेक्ट करेंगे। तो टैब प्रेस करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, इनपुट, एंड इस डिस्टेंस को इनपुट 1x पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद इस पर जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये एट्रीब्यूट एडिटर खुलेगा, यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखाएगा इनपुट 1 में जो कि 10.937 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इनपुट 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, सेम वैल्यू को कंट्रोल सी इनपुट 2 में पेस्ट कर देंगे और हम लोग इसको कर देंगे डिवाइड। तो जब ये वैल्यू से डिवाइड होगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली 1 आएगा। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब हम लोग जो भी वैल्यू आएगा, जो कि 1 वैल्यू आएगा, उस वैल्यू में मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। वो कंडीशन क्या होगा कि अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो स्ट्रेच हो, 1 से कम हो तो स्ट्रेच ना हो। तो कंडीशन नोट अप्लाई करने के लिए मुझे नोट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कंडीशन नोट। तो आप टैब प्रेस करके कंडीशन टाइप करिए, कंडीशन आ जाएगा। इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो इनपुट 1x पे मैंने डिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, तो आउटपुट में भी आप आउटपुट x को ही कनेक्ट करोगे, किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ। एक बार आपने फर्स्ट टर्म के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आपने क्या वैल्यू दिया था, 10.937 डिवाइडेड बाय 10.937 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म में भी आप 1 ही रखोगे, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू आप सेकेंड टर्म में भी रखोगे। और यहाँ पे ऑपरेशन आपको डालना है, ऑपरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेशन होगा। अभी इसका मल्टीप्लाई डिवाइड का जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू को मैंने कनेक्ट कर दिया फर्स्ट टर्म के साथ। अब ये क्या एक्सप्लेन करता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में मैंने इनपुट 10.937 इसको मैंने डिवाइड किया 10.937, रिजल्ट आया हमारा 1। तो फर्स्ट टर्म में 1 आया तो सेकेंड टर्म में भी हम लोग ने 1 लिखा। इसका मतलब होगा अगर 1 का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, हम यहाँ पे ग्रेटर देन लिखेंगे, अगर इक्वल रखना है तो इक्वल रख सकते हो, बट इस वक्त हम ग्रेटर देन रखेंगे। 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर ये ट्रू है तो कितना वैल्यू होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट 1 ही होगा, अगर ट्रू है तो वो स्ट्रेच होगा। तो स्ट्रेच करने के लिए अपने को यहाँ पे कनेक्ट करनी है कुछ चीजें। तो कलर इफ ट्रू है तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा सेम आउटपुट एक्स के साथ, मतलब अगर 1 का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो जो स्ट्रेच का वैल्यू होगा वो उतना ही होगा जितना इसको मूव करने से होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो अभी क्या करना है, ये सारे कनेक्शन तो बन गए, बट अब इस कनेक्शन को मेरे को इस बोन के साथ कनेक्ट करना है, इस जॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले इसका आउटपुट, जो कंडीशन का जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट का आउटपुट को कनेक्ट करेंगे पहले इस बोन के साथ, उसके बाद दूसरे बोन के साथ। तो इस बोन को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसके नोड को ऐड कर लो। तो ये हमारा जॉइंट नोड आ गया, इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। एंड क्योंकि स्ट्रेच करना है बोन को तो स्केल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट का एक्सपेंड कर लेते हैं। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे कलर इफ ट्रू आर सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आउटपुट में भी आप आर को ही सिलेक्ट करोगे। इसको कनेक्ट कर दो आप स्केल एक्स के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस में स्केल होगा। अभी ये जो लोकेटर है, इस लोकेटर को अगर मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो जो शोल्डर वाला जॉइंट है, जिस जॉइंट के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है, वो स्केल हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन इस वाले बोन को भी कनेक्ट करेंगे। इस बोन को सिलेक्ट करो, इस जॉइंट को सिलेक्ट करो एंड नोड को लेके आओ यहाँ पे, आ गया जॉइंट, ये रहा जॉइंट,
अभी इस ज्वाइंट को भी आपको एक्सपेंड करना है और सेम चीज इसका काम हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे सेम चीज आर का वैल्यू कनेक्ट करेंगे अपन स्केल एक्स के साथ। स्केल एक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं एंड आर का वैल्यू कनेक्ट होगा स्केल एक्स के साथ। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। अभी देखोगे जो लोकेटर है, इस लोकेटर को मैं मूव करता हूँ, आप देख सकते हो दोनों जो है वो स्केल हो रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो कनेक्ट है अभी लोकेटर लोकेटर के साथ कनेक्ट है, मैं लोकेटर को मूव कर रहा हूँ तो दोनों बोन स्केल हो रहे हैं। तो इस लोकेटर को मुझे इस कंट्रोलर के साथ कॉन्स्टेंट करूंगा, ताकि जब मैं कंट्रोलर को मूव करूं तो कंट्रोलर के साथ लोकेटर में मूव हो और लोकेटर जब मूव हो तो ये स्ट्रेच हो। ठीक है, पहले कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर लोकेटर को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉन्स्टेंट पॉइंट कॉन्स्टेंट। अभी कंट्रोलर को सिलेक्ट करके अगर मैं मूव करता हूं तो आप देख सकते हो ये स्केल हो रहा है, और इसका जो मैक्सिमम लिमिट था उससे अंदर जाओगे तो ये स्केल नहीं होगा, बट अगर उससे ज्यादा अगर आप मूव करते हो इसको तो ये दोनों बोन जो है वो स्ट्रेच होने लगेगा। इस तरीके से नोड एडिटर को कनेक्ट करके हम स्ट्रेची बोन बना सकते हैं, सेम हाथों के लिए भी एंड सेम पैरों के लिए भी। अभी यहाँ पे डिस्टेंस नोड्स की जरूरत नहीं है, तो इस डिस्टेंस नोड को मैं सिलेक्ट करके हाइड कर दूंगा कंट्रोल एच, एंड चाहो तो आप लोकेटर को भी हाइड कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे जो लोकेटर है, ये लोकेटर इस बोन के साथ कनेक्ट नहीं है। इस लोकेटर को हम लोग मूव कर सकते हैं इधर उधर, जिससे इसका सेटअप खराब हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस बोन को सिलेक्ट करूंगा, इस लोकेटर को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं पॉइंट कॉन्स्टेंट कर दूंगा, ताकि बोन जहां भी मूव हो साथ में लोकेटर भी मूव होता रहे, एंड अगर मैं शोल्डर से भी मूव करूं तो शोल्डर से भी ये स्ट्रेच हो। तो अभी हमारा ये स्ट्रेची बोन तैयार हो गया। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ जरूर सीखे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।